हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल सारे नु। आज डेट है 23 और टाइम हो रहा है 10:15। ओके, अभी हम लोग हैं कारू में, जो कि ले से कुछ 35 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। तो हम लोगों ने कल यहीं पे स्टे ले लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक मोनेस्ट्री भी है जो हमने सोचा कि हम लोग सवेरे विजिट करेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 7 किलोमीटर पे हेमिस मोनेस्ट्री है, तो हम लोग अभी पहले वहीं जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग ले के लिए निकलेंगे। तो ले के रास्ते में ही हमको शेयर पैलेस और ठीक से मोनेस्ट्री हमको रास्ते में ही लगेगा। उसके बाद ले आएगा एंड फिर ले जाने के बाद देखेंगे वहाँ पे मार्केट और क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाली, शांति स्तूपा, जो भी नियर बाय के जो भी हो गए प्लेसेस वो हम लोग विजिट करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए पहले यहाँ से निकलते हैं और मोनेस्ट्री के लिए निकलते हैं, यहाँ से चलते हैं। और ये रही गाड़ी, और यहाँ पे बढ़िया रूम था नीचे हमारा, अच्छा था, खाना चाय वगैरह भी बढ़िया थी। चलो यहाँ से निकलते हैं। हम लोग अभी कारू में ही है, वो वाला सामने ऊपर मोनेस्ट्री, हमें वो मोनेस्ट्री में जाना है। तो उसके सामने ये एक आर्मी का ये पॉइंट है जहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं, डोसा पॉइंट है। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले हमने इनसे परमिशन लिया कि वीडियो अलाउड है तो ही हम लोग आप वीडियो बनाएंगे, इसलिए फिर इन्होंने बोला कि आप बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे टू व्हीलर पार्किंग है और यहाँ पे फोर व्हीलर पार्किंग है। मेरी कार मैंने पार्क कर दी है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बाइक्स वगैरह हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, बाकी आरती बताएगी। तो एक्चुअली ये म्यूज़ियम बना रहे हैं तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे नाम लिखा हुआ है त्रिशूल म्यूज़ियम, हम आगे जाके आपको बताएंगे। यहाँ पे कुछ उन्होंने रखा है, बाकी ये अभी इन प्रोग्रेस है। एंड ये है डोसा पॉइंट, यहाँ पे हम नाश्ता करने वाले हैं आज, त्रिशूल डोसा पॉइंट। ये त्रिशूल डोसा पॉइंट है, वर्ल्ड हाईएस्ट डोसा पॉइंट, क्या बात है। यहाँ पे डोसा खाएंगे यार आज, कल भी खाना अच्छा मिला था हमको। और यहाँ पे SBI का ATM है, बैंक भी है, अरे हाँ ये बैंक है, यहाँ पे ATM है। चलो डोसा खाते हैं, सांभर। यहाँ पे प्लेन डोसा, मसाला डोसा, ऑनियन डोसा, ये सब आर्मी के अंडर है सारा डोसा। इडली ख़त्म हो गई, वड़े भी ख़त्म हो गए हैं। पूरा ऐसा प्रॉपर साउथ इंडियन लोग ही हैं ये जो आर्मी वाले कर रहे हैं, बना रहे हैं, बढ़िया। बहुत टाइम बाद हमारा डोसा आ चुका है आज, अच्छे से टेस्ट, अच्छे सुनो टेस्ट काफ़ी बढ़िया है, चलो खाते हैं इसको। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हम लोग ये म्यूज़ियम की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कार वहाँ पार्क हुई है। आगे यहाँ पे इन्होंने बोर्ड्स लगाए हुए हैं जो भी पॉइंट्स है देखने के लिए। तो ये इंडस रिवर का लगा है, इसके बैक साइड में है हेमिस मोनेस्ट्री जहाँ हम आपको लेके जाने वाले हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ट्विंस मज़े ले रहे हैं, मुझे कैमरा थमा के, ज़रूरी है भाई, हमेशा मैं कैमरा पकड़ता हूँ। ओके, सो ये त्रिशूल म्यूज़ियम है, आप नाम देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है त्रिशूल वॉर म्यूज़ियम। सर ये ओपन कब होगा? यहाँ पे लगा है खारदुंगला पास का बोर्ड, तो खारदुंगला भी हम आपको लेके जाएंगे। इस तरफ में है चांगला टॉप, ये लिखा टूरिस्ट म्यूजियम। ओके, सो ये म्यूजियम का रेनोवेशन भी हुआ है, रेनोवेटेड बाय 3 गार्ड्स, 1 राज रेफ एंड डेडिकेटेड बाय चेयरपर्सन FWO 3 INF डिवीजन ऑन 11 अप्रैल 2012। इस तरफ में है शांति स्तूपा, ये एक अच्छा गाइड है प्लेसेस जानने के लिए। ओ वाओ, यहाँ से तो कुछ अलग ही व्यू है शांति स्तूपा का। ये रहे हिमालयन आइबर्क्स जो हमको रास्ते में दिखे थे, दैट इज थिक से मोनेस्ट्री।
नुब्रा वैली, आगे की बोर्ड आगे दिखाते हैं। तो ये म्यूज़ियम है, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ अलग तरह के बाइक्स वगैरह रखे हैं, कुछ आर्मी के व्हीकल्स रखे हुए हैं। काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया हुआ है। ये रहा कौन सा पैलेस है, ये स्टॉक पैलेस। ओके चलो अंदर लेके जाते हैं आपको। ये स्क्रैप गार्डन है। ओके सो दिस इज स्क्रैप गार्डन। ये सारा जो भी बना है स्क्रैप से बना हुआ है। वाओ सही है ना। वाओ स्क्रैप से देखो इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई है। सो देयर इज लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन आर्मी। ये सब आर्मी सोल्जर्स ने ही बनाए हैं। वाओ आगे की तरफ में दो बाइक्स हैं। ये रही बाइक ईगल, इसको ईगल नाम दिया हुआ है, ग्रीन कलर। इस तरफ में दूसरी बाइक है पेंटेड इन ऑरेंज। वाओ इसको यहाँ पे लद्दाख का नंबर प्लेट लगाया हुआ है, सो LA इज फॉर लद्दाख। ये लद्दाख का नंबर प्लेट है। तो ये कुछ इस तरह से बाइक दिखाती हूँ आपको। 350 सीसी, इसका भी नाम ईगल है। वहाँ देखी बट थोड़ी डिफरेंट है, इसका बैक साइड का थोड़ा अलग है। क्वाइट इनोवेटिव हो, इसको दिया है जम्मू कश्मीर का नंबर JK। म्यूज़ियम ओपन हो गया है तो हम लोग अभी अंदर चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं म्यूज़ियम और देखते हैं कैसा है और क्या क्या अंदर रखा हुआ है। ये यहाँ का एंट्री पॉइंट है। ओपन हो गया ना सर? So, यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है कारों का। सो अभी काफी लंबा है, हम इसका फोटो जरूर डाल देंगे। यहाँ पे आर्मी वालों की फोटोज हैं, ये लोग यहाँ पे कैसे सर्वाइव करते हैं, क्या क्या चीजें हैं। ओके यहाँ पे प्रेसिडेंट श्री वेंकट रमन टेकिंग गार्ड ऑफ ऑनर। सो ये प्रेसिडेंट जी है। यहाँ पे नीचे राजीव गांधी जी है जो यहाँ के ऑडिटोरियम में आए थे। ये प्लेस का नाम खारगू था। खारगू, हाँ, खार मतलब पैलेस, ठीक है। तो ये नाम जो है टाइम के साथ छोटा छोटा होते बोलते ना होता गया, खारू भी उसका नाम कारू हो गया। कारू, ओके। अच्छा हमने कहीं पे खारू भी देखा था, कहीं पे कारू भी देखा था, राइट। ओके ये तो ये यहाँ पे जो जो उगता है तो ये जो सारे राइफल्स हैं ये सारे पाकिस्तान वालों से कैप्चर किए हुए हैं। ये दो राइफल्स हैं उनके, ये मैगजीन्स हैं और ये वाले भी, ये दो राइफल्स मैगजीन, ये ग्रेनाइड है, वॉकी टॉकी, ये कारतूस है MT, अभी तो MT है, प्रेशर मीटर है,
UBGL मैगन रिवर, क्या बात है। और ये बाहर पड़े हैं, आप देख सकते हो, ये तो ओपनली पड़े हुए हैं। क्या गन्स हैं यार। और जिनसे कैप्चर किए हैं ये उनकी आइडेंटिटी है, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मनी ऑर्डर फॉर्म है, उनके नाम है यहाँ पर, सारे डिटेल में है, मतलब सारा कुछ डिटेल में है यहाँ पर। और ये हमारी इंडियन आर्मी, ये सर मनोज कुमार पांडे जी हैं। क्या बात है, कैप्चर बाय UMG ऑफ पाकिस्तान। कैसे कैसे गन्स थे यार, ये देखो भाई साहब, AK-47। ये चाइनीज AK-47 है जो कि पाक पोस्ट में मिली थी। ओके, वाह, क्या क्या चीजें हैं यार यहाँ पर, तो एक से एक रक्सैक, लाइट वेट है, वाह, बूट, मेरे को लगता है ये जो, ओ माई गुडनेस। और ये लैडर है सिंगल पर्सन के लिए, बहुत बढ़िया। रोप वे वगैरह पड़ी हुई है सारा कुछ। वहाँ पर क्या है देखते हैं, POF 60mm MOR। क्या यार, लेरट 83mm, सेम वही है जो वहां पर थे। वाह, गन्स पड़ी हैं यहाँ पर। ये है चाइनीज LMG, उठा नहीं सकते इसको। ये है हीरोज ऑफ वॉर 1962 के, मेजर शैतान सिंह और परमवीर चक्र मनोज धन सिंह थापा। ओके, बैटल ऑफ रंगजल्ला, ये हुआ था 1962 में, 18 नवंबर 1962 में जो वॉर हुआ था चाइना के साथ, उसका डिटेल्स है ये सारे। तो हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री की तरफ जो कि है खारू में, और ये रहा कुछ व्यू। वेलकम टू नारोपा 2019 हेम्स हेमिस हेमिस। ये ब्रिज है, मेरी इंग्लिश है ना थोड़ी बाहर की है इसलिए ऐसे होता है। चलो सर, ये लिखा हुआ है हेमिस मॉनेस्ट्री 5 किलोमीटर। ये है एंट्री गेट हेमिस मॉनेस्ट्री का। क्या रोड है यार, इधर भी फर्स्ट गियर में ही चढ़ेगी गाड़ी। ये एक मॉनेस्ट्री है, ये शायद नया मॉनेस्ट्री है, जो 600 साल पुराना है वो थोड़ा और ऊपर है। तो पहले मैंने कहा यहाँ पे एक दर्शन करके, मैंने कहा पहले यहाँ के दर्शन करके फिर आगे दूसरी मॉनेस्ट्री पे चलते हैं। चलो चलते हैं आगे। तो यही वो मॉनेस्ट्री है
जो अभी मैंने आपको नीचे से दिखाई थी, अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है यहाँ पर ना। ये न्यू वाला कंस्ट्रक्शन है, काफी अच्छा है। कृपा करो। ये मॉनेस्ट्री के ऊपर से नजारा देखो, क्या व्यू है, बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं जो वो ओल्ड वाला मॉनेस्ट्री है, वो ये रोड जा रहा है उसके लिए, ऊपर ही ऊपर जा रहा है ये रोड। तो हम लोग मॉनेस्ट्री के यहाँ एंट्री पे पहुँच चुके हैं। वहाँ पे पावर बैंक, मतलब कि बाइक कार चार्ज करने के लिए, क्या बात है यार। कहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ले में है। और यहाँ पर नीचे है पूरा पार्किंग एरिया। कितना टिकट है सर? कितना टिकट है? 1% 50 रुपीस। तो यहाँ पे टिकट काउंटर है, मे बी बिकॉज म्यूजियम भी है। तो ₹50 पर हेड है। सो दिस इज द एंट्री, हम एंट्री की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पहले ही पहुंच गए। So, ये पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है हेमिस मॉनेस्ट्री का, जैसे मैंने बताया आप लोगों को। तो ये है हेमिस मॉनेस्ट्री। सर्दी हो गई यार, काफी बढ़िया। चलो अंदर चलते हैं। हाँ, शूज निकालने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये प्रेयर बेल्स होते हैं, आपको हर एक मॉनेस्ट्री में मिलेंगे। इसको बेल्स भी बोलते हैं। इसको हमेशा क्लॉकवाइज ही घुमाना है, दिस वे, ये ऐसे ऐसे। तो ये मेन टेंपल है यहाँ पे अंदर, बट वीडियो फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है। बहुत अच्छा मॉनेस्ट्री बना हुआ है अंदर, बहुत बढ़िया टेंपल है। नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी। ये है हेमिस म्यूजियम। खरीदने के लिए। वाह, क्या मस्त है यार। हमने ये मैप ले लिया है लद्दाख का पूरा। ये कुछ आया है ₹195 का, काफी अच्छा है, काफी बड़ा मैप है। आपको डिफरेंट टाइप के फ्लैग्स लाइक साइज वाइज, तो ये थोड़ा मीडियम साइज है ₹50, ये बिगर वन ₹60। एंड ये है साइड से फ्लैग, ओपनिंग इट रॉन्ग वे, दिस इज समथिंग मस्त है। ये है ₹100 जी मैम। ये ₹100 का है, ये ₹60 का है, ये ₹50 का है। ये भी फ्लैग्स है कार में लगाने के लिए, मैं लेकर जाऊंगा, अब लगेगा मेरी कार में फ्लैग। ये अपने ₹100 मंत्रा वाले है। हाँ। एंड इसमें कुछ डिटेल में है, ज्यादा मंत्रा है देखोगे तो आप। ये जो नॉर्मल लद्दाख वाले फ्लैग्स है वो है, ये ₹90 का है, थोड़ा छोटा है उससे। ये ₹70 का और छोटा, ये ₹60 का और छोटा, ये ₹50 का सबसे छोटा। अभी हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम में,
तो यहाँ पे सारा सामान रखना पड़ेगा और मोबाइल कैमरा सारा कुछ, फिर एंट्री है अंदर। हम लोगों ने हेमिस मॉनेस्ट्री का अंदर जाके देखे, अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था, सो हम लोगों ने कुछ वहाँ पे फोटोग्राफी नहीं किया, तो हमने बस वहाँ पे जो बुद्धा टेंपल है वहाँ पे सिर्फ बुद्धा का एक स्टैचू है एंड जो उनके पूर्वज थे उनके स्टैचू है, नहीं वो शायद इसमें था ना, हाँ इस तरफ में राइट साइड में मेन टेम्पल है जहाँ पे यहाँ के गोम्पा के प्रोटेक्टर का एक स्टैचू है जो थोड़ा एग्रेसिव भी है, तो हम लोगों ने वहाँ गए। उसके बाद हम सीधे गए म्यूज़ियम की तरफ। म्यूज़ियम में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बुद्धा के स्टैचूज हैं जो पता नहीं कौन से अलग अलग सेंचुरीज के, कोई 7th century स्टार्टिंग 7th century से है, हाँ 7th century से हमने देखा है, कुछ 8th century के, 19th century, 20th century, तो हर एक तरह के उनके वेसल्स है, देन कुछ जो भी प्रेयर्स में यूज़ होते हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और लद्दाख का जो भी हिस्ट्री है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। म्यूज़ियम में हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया और इतना पीसफुल लगा हम लोगों को एंड बहुत अमेजिंग था, मतलब वो एक्सपीरियंस आप खुद जाके देखोगे तब समझ आएगा, मैं यहाँ पे जितना भी शेयर करूँ कम है। तो हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस तो आरती ने आपको बता दिया, बहुत ही अच्छा था और बहुत ही बढ़िया है। स्नो लेपर्ड की वहाँ पे वो क्या कहते हैं उनका स्किन, स्किन है, फिर टाइगर का स्किन है, बहुत अच्छे से प्रिजाइज करके रखा हुआ है उसको। बारिश स्टार्ट हो रही है तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं दूसरी जगह की तरफ, चलो यहाँ से निकलते हैं। हम लोगों ने ये फ्लैग लिया है यहाँ पे मॉनेस्ट्री से, तो यहाँ पे हम लोग फ्रंट में लगाएंगे, ये स्टिकर वाला लिया है, दूसरा भी लिया है बट वो अभी सामान बहुत है उसको बाद में लगाएंगे, अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये लग रहा है फ्लैग, सो फाइनली लद्दाख में आके मैंने फ्लैग लगा दिया। मेरे पास वो फ्लैग्स पड़े हैं, मेरे फ्रेंड्स ने लाए थे, बट मैं चाहता था कि जब मैं खुद लद्दाख आऊँ खुद फ्लैग्स खरीदूँ और खुद लगाऊँ, तो आज मैंने वही किया, तो ये फाइनली लग चुके हैं फ्लैग्स। चलो